गुज़श्ता एपिसोड में आपको बताया कि किस तरह से कासिम ने बहराम खान के साथ मिलकर अबू जाफर के घर का घेराव किया, फौज को साथ लेते हुए अबू जाफर के घर घुस गए ताकि उसको गिरफ्तार किया जा सके। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज, सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज की ये 14वीं एपिसोड है। अबू जाफर की बात से बहराम की टांगे कांप गईं। उसने मनमनाते हुए लहजे में कुछ कहना चाहा, लेकिन कासिम ने आगे बढ़कर अपने बरहना शमशीर अबू जाफर के सीने पर रख दी और सांप की तरह फुंकारते हुए कहा, नीली आंखों वाले नकली अरब और कैसर कुस्तुनतुनिया के खतरनाक जासूस को मुसलमान सिपाहियों पर आंखें निकालने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये कासिम का एक नफसियाती हरबा था जिसमें उसे बहुत कम कामयाबी हुई। अबू जाफर एक मंजा हुआ जासूस था। उसकी आंखों में कासिम की बात से सिर्फ एक लम्हे के लिए खौफ की झलक नजर आई और फिर अगले लम्हे उसने पूरी तरह अपने आप पर काबू पा लिया और इंतहाई गुस्से से कहा, ये क्या बकवास है? तुम किस किस्म की ऊट पटांग बातें कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? बहराम, जो खुद को एक माहिर सुराग रसा समझता था, अबू जाफर के चेहरे को गौर से देख रहा था। उसने दिल ही दिल में कहा, कासिम बिन हशाम ने अबू जाफर पर हाथ डालकर गलती की है। ये शख्स वो नहीं जो कासिम समझ रहा है। कासिम को भी अबू जाफर के जवाब से मायूसी हुई, लेकिन उसने कोई परवाह किए बगैर अपने साथ आए सिपाहियों को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे और ले जाकर खुफिया महकमे के तहखाने में फेंक दो। कासिम के अल्फाज मुकम्मल होने की देर थी कि सिपाहियों ने आगे बढ़कर अबू जाफर को तलवारों के नरगे में ले लिया। अबू जाफर बज़ाहिर खौफसदा ना होने की अदाकारी कर रहा था, लेकिन दर हकीकत वो अंदर से लर्ज गया था। सिपाहियों ने उसके हाथ पीछे की तरफ करके जंजीर पहना दी। बहराम के चेहरे पर खौफ की झलक थी जिसे कासिम महसूस किए बगैर न रह सका और उसने बहराम के शाने पर हाथ रख कर कहा, बहराम खान, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे सामने इससे उगलवाता हूँ कि इसका असल नाम क्या है। तुम ये मत सोचो कि ये 20 साल से यहाँ मुकीम है। क्या तुम्हें कैसर के साजिशी किरदार और तवील मनसूबाबंदी का इल्म नहीं? चलो मेरे साथ। बहराम कासिम का फैसला सुनकर काम गया। कासिम शहर के एक मजहबी पेशवा को खुफिया महकमे के तहखाने में अजियतें देना चाहता था। ये बात बहराम के लिए परेशान कुन थी। वो अदरना के लोगों का मिजाज जानता था। वो सोच रहा था कि कासिम ने अगर खतीब मगरिब से पूछगछ की तो शहर में हंगामा खड़ा हो जाएगा। उसने दिल ही दिल में फैसला किया कि कासिम को अजियत के ख्याल से बास रखेगा। यही सोचता हुआ वो कासिम के हमरा अबू जाफर समेत बाहर आया। बाहर इसके जेन में एक तरकीब आई और बाहर पहुंचते ही सिपाहियों से कहने लगा, तुम फिलहाल अबू जाफर को कोतवाले शहर के जिंदान में ले जाओ, तफ्तीश का काम सुबह होगा। उस वक्त अबू जाफर को लेकर खुफिया महकमे की जानिब जाना मुनासिब नहीं। कासिम ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले तो बहराम खान ने हाथ के इशारे से उसे रोक दिया और कहा, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं इतने अहम शख्स को बगैर सरकारी अंदराजात के खुफिया महकमे के तहखाने में नहीं रख सकता। कोतवाले शहर के जिंदान में एक मरतबा इसका इंदराज हो जाए तो तुम इसे अपनी जिम्मेदारी पर तफ्तीश के लिए ले जा सकते हो। गोया बहराम ने ऐन वक्त पर काम खराब कर दिया था। जाहिर है दस्ते के सिपाही बहराम खान के मातहत थे। कासिम को एक लम्हे के लिए ऐसे लगा जैसे हाथ आया हुआ शिकार हाथ से निकल रहा है। सिपाही अबू जाफर को लेकर एक तरफ चल दिए। खुफिया महकमे का पूरा दस्ता चला गया तो बहराम खान ने कासिम से कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब दुआ करो कि अबू जाफर की गिरफ्तारी की खबर शहर में ना फैले। परसों जमातुल मुबारक है और जमा के इस्तेमात में अबू जाफर की गिरफ्तारी पर हंगामों का खदशा है। ऐसी सूरत में हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल पैदा हो जाएगी। सुल्तान के बेटे हम पर चढ़ दौड़ेंगे। बहराम के मुंह से सुल्तान के बेटे का लफ्ज निकला तो पहली मर्तबा कासिम की तवज्जो शहजादा मोहम्मद की जानिब मबजूल हो गई। उसे याद आया कि शहजादा मोहम्मद ने कासिम से दोस्ती का वादा लिया था। उसके जहन में ख्याल आया कि वो सुबह होते ही अबू जाफर के सिलसिले में शहजादा मोहम्मद से बात करेगा। यही सोचकर उसने इत्मीनान की सांस ली और अपने घोड़े की तरफ बढ़ गया। बहराम भी अपने घोड़े पर सवार हो चुका था। वो कुछ देर तक एक दूसरे के साथ साथ चलते रहे। फिर कासिम ने बहराम से इजाजत ली और घोड़े का रुख घर की तरफ मोड़ दिया। आज कासिम बुरी तरह थक चुका था। उसे सारा दिन और सारी रात बयाक वक्त जहनी, जिस्मानी और असाबी जंग लड़ना पड़ी। वो बिस्तर पर लेटा तो उसे एहसास हुआ कि उसका बदन फोड़े की तरह दुख रहा है। उसने अपने जिस्म पर कंबल ताना और चंद लम्हों बाद वो नींद की वादी में उतर चुका था। वो देर तक सोता रहा। उसकी भाभी और भाई ये सोच कर कि वो थका हुआ था उसे नाश्ते के वक्त भी न जगाया। उसका भाई और भतीजे अपने अपने मकतब की जानिब चले गए और दिन पूरी तरह चढ़ाया। दिन चढ़े उसकी आंख दस्तक पर खुली। ताहिर के मकान का बैरूनी दरवाजा जोर जोर की दस्तक से बच रहा था। वो आंखें मलता हुआ उठा और ये
देखकर हैरान रह गया कि वक्त बहुत ज्यादा गुजर चुका है। बिस्तर से निकला और पैरों में जूते डालकर सीधा बैरूनी दरवाजे की जाने पड़ा। दरवाजा खोलते ही उसके 14 तबक रोशन हो गए। सामने अबू जाफर खड़ा था, उसके चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट थी और उसके हमरा 4 सिपाही और 2 सरकारी कमांडर थे। अबू जाफर को देखते ही कासिम के मुंह से बेसाख्ता निकला तुम। उसकी आंखें हैरत से फटी जा रही थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस अबू जाफर को उसने चंद घंटे कबल कोतवाल शहर के जिंदान में भिजवाया था वो दिन दिहाड़े इस कदर आजादी के साथ कासिम के सामने मौजूद था। अबू जाफर ने कासिम को हक्का बक्का देखा और अपनी सांप जैसी आंखों को चमकाते हुए जहरे खौंद लहजे में बोला, कासिम बिन हशाम, मैं 20 साल से दरना में इंतहाई इज्जत के साथ रह रहा हूँ जबकि तुम्हें अभी यहाँ आए गिनती के चंद दिन गुजरे हैं। तुमने मेरे साथ जो कुछ किया इसका हिसाब देने का वक्त बहुत जल्द आने वाला है। उस वक्त मेरे हमरा मौजूद सरकारी कमांडर तुम्हें शहजादा अलाउद्दीन के हुजूर पेश करने के लिए आए हैं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि शहजादा अलाउद्दीन के खसूसी हुक्म से मुझे रिहा किया गया है। अबू जाफर की बात से कासिम के तन बदन में गुस्से की आग दौड़ गई। उसने अबू जाफर की आंखों में आंखें डालकर आतिशनाक लहजे में कहा, अबू जाफर तुम मेरी गिरफ्त से बच नहीं सकते, तुम्हारा हर खेल मेरी नजरों के सामने है। मैं शहजादा अलाउद्दीन के सामने तुम्हारे चेहरे को बेनकाब करूंगा और याद रखना अब जब मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा तो तुम्हें मेरे गजब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। अबू जाफर कासिम की बात पर कहका मारकर हंस दिया। उसके चेहरे पर शैतानियत साफ दिखाई देती थी। अबू जाफर ने जहरीले लहजे में कहा, अब तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं जिसे शाही दरबार में पेश कर सको। मैंने तुम्हारे बारे में शहजादे को सब कुछ बता दिया है। अब तुम यनीचरी के एक जांबाज कमांडर असलम खान के कत्ल के में खुद जेल जाओगे। अबू जाफर का मकरूह कहका फिर फिजा में गूंजा। कासिम के लिए अबू जाफर का अंदाज गुफ्तगू बर्दाश्त से बाहर हो रहा था लेकिन उसने दिमाग को ठंडा रखने की कोशिश की और सरकारी कमांडर की तरफ मुतवज्जे हुआ। जी फरमाइए, आप लोग किस मकसद से आए हैं? कासिम के लहजे में हल्का सा तंज भी था। सरकारी कमांडर जो कि एक खुश शक्ल नौजवान था किसी कदर सख्त लहजे में बोला, हम आपको अपने हमरा ले जाने के लिए आए हैं। हम शाही मुहाफिज दस्ते के सिपाही हैं और हमें शहजादा अलाउद्दीन बिन सुल्तान मुराद खान सानी ने भेजा है। कासिम इस सूरत हाल के लिए तैयार था। उसने नौजवान से चंद लम्हे के लिए घर तक जाने की इजाजत ली और अंदर चला गया। उसकी भाभी माँ और बूढ़े बाप को कुछ खबर न थी कि बाहर क्या हो रहा है। कासिम कुछ बताए बगैर घर में जरूरी मामलात से फारिग हुआ और अपनी भाभी को ये बताकर कि वो कसर सुल्तानी की तरफ जा रहा है बाहर आ गया। शहजादा अलाउद्दीन के साथ ये कासिम की पहली मुलाकात थी। वो किसी कदर बेपरवाही से शहजादे के सामने जाकर खड़ा हुआ तो शहजादे ने इंतहाई गुस्से से कासिम को मुखातिब किया, सुना है तुमको सुल्तान मुआज़्ज़म ने शाही सुराग रसम मुकर्रर किया है। लगता है सुल्तान मुआज़्ज़म बूढ़े हो गए हैं। अदरना में कौन सी क्या बताने वाली थी कि शाही सुराग रसम मुकर्रर करने की जरूरत पेश आई? तुमने हमारे मुआज़्ज़ज़ मुशीर सल्तनत को हिरासत में लेने की कोशिश करके हमारी तोहीन की है। हम सुल्तान मुआज़्ज़म से तुम्हारे गुस्ताखी की शिकायत करेंगे। जब तक सुल्तान मुआज़्ज़म कोनिया से वापस लौटते हैं तब तक हम तुम्हें नजरबंद करते हैं। तुम्हारी बेबाकी और बेवकूफी की सजा सुल्तान मुआज़्ज़म खुद आकर तुम्हें देंगे। शहजादे की बात सुनकर कासिम के पैरों तले जमीन निकल गई। अबू जाफर ने सच कहा था, खेल की बसात बिल्कुल उलट चुकी थी। शहजादे का लहू लहजा बता रहा था कि वो कासिम की कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा लेकिन फिर भी कासिम ने जुरत करके कहा, शहजादा हुजूर, आप मुझे नजरबंद करने में जल्दी ना करें। पहले शहजादे ने कासिम की बात दरमियान में काट दी, खामोश, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर सुल्तान मुआज़्ज़म ने इज्जत ना बख्शी होती तो हम अभी और इसी वक्त तुम्हारा सर कलम करवा देते। अब कासिम के लिए बोलने की कोई गुंजाइश न थी। शहजादे के दरबार नंगी तलवारें लिए हुक्म के मुंतजिर खड़े थे। कासिम ने मायूसी से शहजादे की जानिब देखा और बेबसी से सर झुका लिया। वो सोच रहा था कि अबू जाफर की चाल कामयाब रही और कासिम अदरना को कैसर के जासूसों से न बचा सका। शहजादे के हुक्म पर दरबारों ने कासिम को हिरासत में ले लिया और शाही महल में मौजूद खसूसी जिंदान में कासिम को ले जाकर बंद कर दिया। यहाँ सलाखों वाला जिंदान नहीं था, यह महज एक वसी कमरा था जिसमें दोनों तरफ 4-4 खिड़कियां थी। हर खिड़की में बारीक लेकिन मजबूत सलाखें लगी हुई थी और बाहर मुसल्ला पहरेदार मौजूद थे। अब कासिम अदरना के बचाव के लिए कुछ न कर सकता था, हत्ता के शाही खानदान में इसके पास कोई दूसरा कैदी भी ना था।
जिसके साथ वो जरा सी बात कर लेता। इसे बेहद फिक्र थी कि किसी तरह अदरना को पेश आपदा बगावत के खतरे से बचाया जा सके, लेकिन खुशकिस्मती से अबू जाफर ने खुद ही वक्ती तौर पर यानी जरी में बगावत पैदा करने का ख्याल तर्क कर दिया था। वो इंतहाई शातिर और चालबाज शख्स था, चुनांचे उसने सोचा कि इस वक्त जब इसका हरीफ कासिम शहजादा अलाउद्दीन के सामने ये कह देगा कि अनकरीब यानी जरी में बगावत उठने वाली है, उस बगावत का उठना मुनासिब नहीं। इस तरह शहजादे को मुझ पर शक हो सकता है। उसने अपने मखसूस तरीकों से अपनी साजिश के तमाम मोहरों को खबर कर दी कि तयशुदा बगावत मुख्तसर वक्त के लिए मुअख्खर कर दी जाती है। वो नहीं चाहता था कि बहराम और शहजादा अलाउद्दीन के सामने कासिम ने जिन खदशात का इजहार किया है वो मुतवक्के तौर पर जाहिर हो। चुनाचे उसने कासिम को झूठा दिखाने के लिए अपने मनसूबे को अमली जामा पहनाने में ताखीर कर दी। इधर कासिम वक्त गुजरने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा बेचैन होता रहा। कई रोज गुजर गए। मार से अपनी जगह बेचैन और परेशान थी और कासिम के अहले खाना अपनी जगह तड़प रहे थे। कासिम का कोई सुराग न मिलता था। उसके भाई ताहिर ने शहर का कोना कोना छान मारा। उसने कोतवाली शहर के सिपाहियों के हमरा बहुत सी जगहों की तलाशी ली, लेकिन कासिम न मिला। कासिम कैसे मिलता? वो तो कसर सुल्तानी के शाही जिंदान में कैद था। मारसी हर रोज अकबर को कासिम की तलाश में दौड़ाती, लेकिन वो शाम को मायूस लौटता। वो इसे कई बार लाला शाहिन की यादगार में भी भेज चुकी थी और दो तीन मरतबा अकबर कासिम के घर से भी हो चुका था। एक रोज मारसी को ख्याल आया कि अबू जाफर के बारे में मालूम किया जाए, क्योंकि आखिरी मुलाकात में कासिम ने अबू जाफर को गिरफ्तार करने का मनसूबा बताया था, जबकि अकबर अब तक मारसी को इतना बता चुका था कि अबू जाफर शहर में सही सलामत मौजूद हैं। मारसी ये समझी थी कि अबू जाफर को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं किया गया। उसे इस बात पर भी हैरत थी कि इस दौरान अबू जाफर एक मरतबा भी उसकी माँ के पास ना आया था। अलबत्ता उसकी माँ इस अरसा में दो मरतबा घर से बाहर कहीं गई थी। मारसी ने माँ को बहुत टोलने की कोशिश की, लेकिन मारता पुख्ताकार और चालाक थी, मारसी के किसी दाम में ना आई। मारसी ने अकबर को यह हिदायत दी कि अबू जाफर की जानिब रवाना हो जाओ कि वो इसके खादमों से मिलकर किस तरह इस रात के बारे में तफसील मालूम करने की कोशिश करे। जिस रात कासिम अबू जाफर के घर पर धावा बोलने वाला था, लेकिन अकबर भी कोई खास खबर न ला सका। इसी तरह कई रोज गुजर गए, लेकिन कासिम की कोई खबर न मिली। कासिम की खबर कैसे मिलती? वो तो नादान शहजादे की कैद में था। सुल्तान मोहम्मद फातेह सीरीज का सिलसिला जारी है। अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि क्या अबू जाफर की चाल कामयाब रही और यानी चरी की फौज में बगावत फूट पड़ी, और क्या शहजादा अलाउद्दीन अपने किए पर पछताने लगा। ये सब कुछ आपको अगली एपिसोड में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।